हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सफर जायके का। मैं हूँ रुचि और आज जो डिश मैं लेकर आई हूँ है पनीर की बहुत ही डिलीशियस डिश, पनीर चंगेजी। पनीर चंगेजी बहुत ही डिलीशियस डिश है और इन त्योहारों के मौके पर आप बनाइए डिनर में पनीर चंगेजी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सफर जायके का आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं डिलीशियस पनीर चंगेजी। पनीर चंगेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसे मैरिनेट करना होगा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डाल रही हूँ 2 चम्मच फ्रेश दही। इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1/4 चम्मच चाट मसाला, और अब इसमें जाएगा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। इसके साथ ही इसमें जाएगा अब 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1/4 चम्मच ही हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। इसके साथ ही एक बढ़िया लेयर कोट हो जाए पनीर पर, इसलिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भुना हुआ बेसन। आप यहाँ पर भुने हुए चने का आटा भी ले सकते हैं, और स्वाद के अनुसार आप इसमें डाल दीजिए नमक। और अब इन सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ताकि दही के साथ ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। और 1 चम्मच इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, और अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो मैंने पनीर को इस तरीके से मोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 200 ग्राम के करीब पनीर, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एकदम हल्के हाथों से, ताकि पनीर टूटे ना। ये देखिए, हमने पनीर को यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और सारे मसाले बहुत अच्छे से पनीर पर लग चुके हैं। अब हम यहाँ पर पनीर को 15 से 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में पनीर बहुत बढ़िया से मैरिनेट हो जाएगा। मैंने गैस पर एक पैन रखा है और उसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है और उसमें मैं डाल रही हूँ पनीर के पीसेस जो हमने मैरिनेट करके रखे थे। इन सारे पीसेस को हम यहाँ पर शेलो फ्राई करेंगे। एक एक करके सारे पीसेस हमने रख दिए हैं, और अब हम इसे दोनों साइड से बढ़िया से फ्राई करेंगे। पनीर को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। ये देखिए, पनीर हमारा हो चुका है और अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे शेलो फ्राई। और मैंने देखिए दूसरी बार का पनीर भी इसमें डाल दिया है, और इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये भी हो चुके हैं, और अब हम पनीर की ग्रेवी तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 स्पून डाला है ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 तेज पत्ते, और साथ में मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच जीरा, 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च। इन मसालों को हम ऑयल में बढ़िया से थोड़ी देर फ्राई होने देंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिन्हें बारीक से हमें कट करना है, जितना बारीक आप कट कर सकते हैं, और उसे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, तो लगातार हिलाते हुए इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब जो है बारीक कटे अदरक और लहसुन, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मसाले को 1-2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद में अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और इसे हम फ्राई करेंगे। और हमारा टमाटर जल्दी से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, इसलिए मैं यहाँ डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और उसे हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम 3 से 4 मिनट तक मसाले को बढ़िया से भूनेंगे। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ऑयल बढ़िया से भुन चुका है, और इसने
ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया। इसे हम मिक्स कर लेंगे एक बार और अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर और 1 स्पून डालेंगे हम यहाँ पर धनिया पाउडर। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट और भूनेंगे ताकि जो अभी अभी हमने मसाले डाले हैं वो भी भून जाएं। मसाले भून चुके हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच दही लिया और उसे बढ़िया से फेंट लिया था, उसे ऐड कर दिया। इसे मिक्स करेंगे हम और 1 से 2 मिनट और हम इसे भूनेंगे यहाँ पर। ये देखिए मसाला बढ़िया से भून चुका है और उसने ऑयल रिलीज़ कर दिया और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू यहाँ पर आ रही है। तो अब बस हमें इस स्टेज पर पनीर को ऐड कर देना है। जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे, तो उसे आप ऐड कर दीजिए और हल्के हाथों से इसे मिक्स कीजिए ताकि पनीर टूटे ना। आप यहाँ चाहें तो अपने हिसाब से ग्रेवी को थिक या थिन रख सकते हैं, जैसा आप चाहें उतनी पतली ग्रेवी आप इसमें रख सकते हैं। देखिए पनीर चंगेजी हमारा बनकर तैयार है और अब इसमें अगर आप थोड़ा सा उसको और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो 1/4 चम्मच डाल दीजिए इसमें गरम मसाला और 1/4 चम्मच ही मैंने इसमें डाल दिया है भुना हुआ जीरा पाउडर। इसे भी मिक्स कर लेंगे और लीजिए पनीर चंगेजी बनकर बिल्कुल तैयार है। हरे धनिया से इसकी गार्निशिंग कर दीजिए और लीजिए हमारा पनीर चंगेजी बनकर तैयार है। इसे नान पराठा या पूरी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ऐसी ही डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए सफर जायके का आपको सब्सक्राइब करना ना भूलिए।